कैसे हो फ्रेंड्स, मजे में हो? मजे में होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं नयन पांडो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2020 में यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपकी कोई भी कैटेगरी की चैनल हो तो आज मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपके चैनल यूट्यूब की 2020 में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो, जब आप कोई भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, कोई भी कैटेगरी की चैनल हो आपकी, तो आपको 2020 में उसको कैसे ग्रो करना है। यदि आपकी न्यू यूट्यूब चैनल है या फिर आपकी ओल्ड चैनल है, फिर भी आपकी चैनल ग्रो नहीं कर रही है, तो आज मैं ऐसे कुछ टिप्स एंड 4-5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी, वो सब मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रही है, ठीक है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही और बेहद इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लो कि जब आप कोई भी कैटेगरी का आपका यूट्यूब चैनल हो, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले थंबनेल होती है, टाइटल्स होते हैं, टैग होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और जो भी है वो आपके यूट्यूब चैनल के हिसाब से सब रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि टाइटल की। तो फ्रेंड्स देखो, आपको यदि कोई भी कैटेगरी के से आप वीडियो बनाते हो तो आपको टाइटल शॉर्ट रखना है। ठीक है, लॉन्ग टाइटल रखेंगे तो आपका जो भी वो सर्च रैंकिंग में नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप टाइटल एकदम सिंपल एंड किसी को समझ में आए ऐसा सिंपल रखिए। हो सके तो टाइटल इंग्लिश में रखिए, क्योंकि वो बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी इतना लोग सर्च नहीं करते जितना इंग्लिश करते हैं। ठीक है, तो टाइटल शॉर्ट एंड एकदम परफेक्ट रखिए, पूरा लॉन्ग मत रखिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भाई थंबनेल। तो फ्रेंड्स देखो, थंबनेल एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब चैनल यदि आप चलाते हो तो आपके वीडियोज़ के लिए थंबनेल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो थंबनेल ऐसी है ना, लोग थंबनेल देख के आपका वीडियो स्वॉच करेगा, टाइटल वो बाद में पड़ेगा, उसको पहले सबसे पहले आई कैचिंग थंबनेल होगी तो वो देख तुरंत क्लिक कर देगा कि भाई उसमें वीडियो में ऐसा क्या है, थंबनेल ऐसा बनाई है, उसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालिए जिससे लोग को ऐसा पता कि उसमें क्या होगा, उसके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें ये वीडियो में ऐसा तो क्या है कि भाई इतना अट्रैक्टिव थंबनेल है। तो ऐसा थंबनेल बने कि कोई भी लोग है वो देख के तुरंत क्लिक कर दे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है। तो देखो भाई, जब आप कोई भी वीडियोस बनाते हो तो डिस्क्रिप्शन आपके जो भी वीडियोस है उसके रिलेटेड डालिए। कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो किसी और चीज़ का होता है, डिस्क्रिप्शन में और कुछ लिखते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो भी इफेक्ट हो यूट्यूब चैनल पे, जो भी इफेक्ट हो वो आपकी ख़राब इंप्रेशन होती है। तो जो भी वीडियोस आप बनाते हैं उसके रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन डालिए, और हैशटैग लगाना मत भूलिए। हैशटैग से क्या होता है कि आपका जो भी वीडियोस है वो ज़्यादा रैंक करेगा और सर्चेबल में आएगा। तो हैशटैग ज़रूर से लगाइए, आपके जो भी वीडियोस है उसके रिलेटेड जो भी हैशटैग है वो लगाइए। ठीक है, और मेन चीज़ लास्ट में बात करते हैं टैग, कि भाई टैग क्या है। तो देखो, YouTube का जो भी है वो टैग पे ही डिपेंड है। तो देखो भाई, जब आप टैग कोई भी लगाएंगे तो आप वीडियोस रिलेटेड लगाइए। आप ऐसा हो तो YouTube पर पहले सर्च कर लीजिए कि ये मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके रिलेटेड कौन से लोगों ने वीडियोस बनाए, उसने क्या टैग डाला है। जी हाँ, वो बेहद ही जानना जरूरी है कि भाई दूसरे यूट्यूबर ने आप जो कैटेगरी के वीडियोस बनाए उसमें दूसरे यूट्यूबर ने कैसा टैग डाला है। तो यदि वो टैग आप देख लगे तो वो आपको पता चल गया। टाइटल भी देख सकते हो, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको पता चले उसके रिलेटेड जो भी होगा वो सब टैग आएंगे, तो वो सब टैग लगा दीजिए आपके जो भी वीडियो से उसके टैग में। ठीक है, तो वो बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक से सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिए ऐसे ही यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता रहे तो मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।